हम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। अगर तुम ऐसे हेडफोन या ऐसे ईयरबड्स डेली 8 से 10 घंटे यूज करते हो तो काफी हाई चांसेस हैं कि लॉन्ग टाइम में तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, या इनको पहन के सड़क पे जा रहे हो तो पीछे से कोई ठोक के भी जा सकता है। इसका सॉल्यूशन है नॉइस के ये प्योर बर्ड्स ओपन ईयर ईयरबड्स। इनको कान के अंदर नहीं बाहर पहना जाता है। ये ईयर कंडक्शन मैकेनिज्म का यूज करते हैं जिसमें साउंड ईयर के थ्रू कान के अंदर जाता है, ना कि नॉर्मल ईयरबड्स की तरह साउंड डायरेक्ट कान के पर्दे पर पड़ता है, जिससे आपका कान लॉन्ग टाइम में खराब होने से बच जाता है। नॉइस का ये पहला अटेम्प्ट है ओपन ईयर ईयरबड्स का। इसकी प्राइस है 3,000 रुपए और इसमें 16 mm के बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं। तो तुम्हें भी अगर अपने कानों को सेफ रखना है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, अगर मेरे रिव्यू किए हुए प्रोडक्ट आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप विजिट कर सकते हो मेरा ऑनलाइन स्टोर। हमें इस तरह का डिब्बा मिलता है, बैक साइड में यहाँ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। चलो भाई फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं। भाई पैकेजिंग तो इसकी काफी प्रीमियम है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले नॉइस की तरफ से एक लव लेटर मिल जाता है, कह रहे हैं कि तुम नॉइस मचाने में बिजी होगे और उन्हें ये पसंद है। इस तरह का एक नेक बैंड का वायर मिलता है, इससे ईयरबड को नेक बैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक इस तरह का कैरी बैग मिलता है, एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है, नॉइस के स्टिकर्स और एक ये वारंटी कार्ड मिल जाता है। एक इस तरह का मैनुअल मिलता है, भाई ये लग रहा है कि प्रिंटर में इंक खत्म होने के बाद प्रिंट किया है। इस तरह का ईयरबड्स का केस मिलता है और केस के अंदर इस तरह की डिजाइन के ईयरबड्स मिलते हैं। नॉर्मल ईयरबड्स के केस के कंपैरिजन में इसका केस थोड़ा सा बड़ा है बट काफी लाइट वेट है। ऊपर यहाँ नॉइस की ब्रांडिंग है, फ्रंट में यहाँ पे 4 लाइट इंडिकेटर दिए गए हैं, नीचे साइड यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसकी हिंज क्वालिटी भी बढ़िया है, काफी स्मूथली ओपन क्लोज होती है। ईयरबड्स का डिजाइन काफी डिफरेंट है, कान में लगाने वाली मशीन भी कुछ इसी तरह की रहती है। यहाँ पे इसमें चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, नीचे साइड यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे हमें एक लाइट इंडिकेटर दिया गया है और ये रहा हमारा टच एरिया। फिटिंग की बात करूँ तो भाई मुझे तो ये परफेक्टली फिट हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है, अगर किसी के कान थोड़ा सा बड़े हैं या थोड़ा सा ज्यादा छोटे हैं तब भाई थोड़ा सा फिटिंग का इशू जरूर आएगा। इन ईयरबड्स को इस नेक बैंड वायर से नेक बैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से डिटैच करना है दोनों ईयरबड्स से और इस नेकबैंड के वायर को दोनों साइड कुछ इस तरह से अटैच कर देना है और भाई इसका बढ़िया नेकबैंड बन जाता है। काफी लाइट वेट भी है और इसको आराम से गले में लटका सकते हो। इसकी फिटिंग भी मुझे काफी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हो आराम से आप इसको पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये IPX5 रेटेड है तो वाटर एंड स्प्लैश प्रूफ है, तो जिम वगैरह में यूज कर सकते हो। हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो अपनी डिवाइस का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा कॉल को पिक कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। AI वॉइस असिस्टेंट ट्रिगर कर सकते हो। ये ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं जिससे बेटर कनेक्टिविटी और स्टेबिलिटी मिलती है। इनमें हमें क्वाड माइक सेटअप मिलता है ENC के साथ, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, और आपको तो पता ही होगा आपने अगर मेरे इतने वीडियो देखे हुए हैं तो जो भी बैकग्राउंड नॉइस है उसको ये फिल्टर कर देते हैं तो सामने वाले को क्लियर कट ऑडियो सुनाई देगी। दोनों ही माइक में दो दो माइक्स लगे हुए हैं। तो गाइस ये है इसका ऑडियो टेस्ट और अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो इन वाले ईयरबड्स से रिकॉर्ड हो रही है। इसके अंदर ENC माइक्स लगे हुए हैं तो आप देख सकते हो अभी हम रोड पे आए हुए हैं और अच्छा खासा नॉइस भी यहाँ पर हो रहा है। इसके जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन माइक है ये बैकग्राउंड में जो भी नॉइस है उसको फिल्टर कर देंगे और आपको इस तरह की क्लियर क्रिस्टल ऑडियो सुनाई देगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी आप इससे ब्लूटूथ कॉलिंग कर रहे हो या दूसरा काम कर रहे हो सामने वाले को इस तरह का ऑडियो सुनाई देगा। अब आ जाते हैं भाई इसकी साउंड क्वालिटी पर। तो इसके अंदर 16 mm के बड़े ड्राइवर्स लगे हुए हैं और इसका जो साउंड है वो काफी लाउड है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है म्यूजिक सुनने का। हालांकि जो बेस है वो मुझे इसका एवरेज लगा। ट्रेवल इसका बढ़िया है, सॉन्ग के जो लिरिक्स है वो आपको क्लियर कट सुनाई देते हैं, बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट का साउंड है वो भी बढ़िया सुनाई देता है। ओवरऑल इंडोर में या नॉन नॉइजी सिचुएशन में साउंड का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, बट अगर बात करें आउटडोर में म्यूजिक एक्सपीरियंस की तो भाई आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन ईयर ईयरबड्स हैं जिससे होता क्या है कि जो एनवायरमेंटल नॉइस है वो भी आपके कान में जाएगा जब आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे होगे। लाइक आप बस में जा रहे हो या मेट्रो में जा रहे हो या मार्केट में आप निकल गए हो ऐसे ही और गाना सुनने का मन है तो तब आप सुनोगे तो सारा नॉइस उसमें जाएगा और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ब्रांड की तरफ से कोई भी लो लेटेंसी गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, बट जब हम लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वी फाइट की साउंड आती है और गेमिंग मोड ऑन हो जाता है। हालांकि ओपन ईयर ईयरबड्स हैं तो डेफिनेटली आपको लैग देखने को मिलेगा, स्टिल आप इंडोर में कैजुअल गेमिंग वगैरह कर सकते हो जो हम किसी भी ईयरबड से कर लेते हैं, बट भाई आउटडोर में इससे गेमिंग करने में कोई फायदा नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करें तो सिंगल चार्ज पर आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है पर ईयरबड्स 50-60% वॉल्यूम लेवल पर, और अगर हम केस को इंक्लूड करें सेम वॉल्यूम लेवल पर तो टोटल 80 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, तो केवल 10 मिनट चार्ज करोगे और 180 मिनट का प्ले टाइम मिल जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल ईयरबड्स से, तो पहला पॉइंट है हाइजीन का। जो नॉर्मल वाले ईयरबड्स होते हैं वो कान के अंदर लगते हैं तो जो कान की गंदगी होती है वो उसके अंदर भी जाती है और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। ये वाले कान के बाहर रहते हैं तो उतना गंदा ये नहीं होता है और इसको क्लीन करना भी ईजी है। दूसरा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का, तो जो नॉर्मल ईयरबड्स होते हैं उसमें हमारा साउंड डायरेक्ट कान के पर्दे पर पड़ता है, जबकि इन वाले ईयरबड्स में ईयर कंडक्शन मैकेनिज्म का यूज होता है और ईयर के थ्रू साउंड कान के अंदर पहुंचता है। तीसरा डिफरेंस है जब हम
नॉर्मल वाले ईयरबड्स या हेडफोन यूज करते हैं तो एक बार कान में लगाने के बाद हमें आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता है और जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है वो खत्म हो जाती है, जबकि ये चीज इन वाले ईयरबड्स में नहीं है। तो हम गाना सुन रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, जो हमारे सराउंडिंग की अवेयरनेस है वो बनी रहती है, तो एक्सीडेंट वगैरह होने से बच जाता है। चौथा डिफरेंस है कंफर्ट का। तो जो नॉर्मल ईयरबड्स होते हैं या हेडफोन होते हैं, जब हम इनको कान में लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको थोड़ा इरिटेशन होने लगे या कोई दूसरी प्रॉब्लम होने लगे, लाइक गर्मी है तो पसीना वगैरह ज्यादा आ रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये कान के ऊपर रहते हैं तो कान के अंदर हवा वगैरह जाती रहती है, तो इस तरह का कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं होता है। पांचवा डिफरेंस है भाई, इसको हम नेकबैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल ईयरबड्स का तो क्या ही कहना। भाई अब कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। 3000 रुपए इसकी प्राइस है और ये नॉइस का पहला अटेम्प्ट है ओपन ईयर ईयरबड्स बनाने का। अच्छा अब इसको किसको बाय करना चाहिए? तो जिनका डेली का कॉलिंग टाइम 8 से 10 घंटे है, लाइक जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं या जो डिलीवरी वाले होते हैं या जो बाइक चलाते चलाते ज्यादा बात जिनको करना पड़ता है उनके लिए ये सूटेबल है, या आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज हो चली है उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट की जो अवेयरनेस है वो बनी रहती है तो एक्सीडेंट वगैरह होने से बच जाएगा। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी बढ़िया है, साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है, इंडोर में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, हालांकि आउटडोर में आपका म्यूजिक का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा और गेमिंग वगैरह तो आप कर ही नहीं सकते हो आउटडोर में, हालांकि जो कॉलिंग है इंडोर आउटडोर बढ़िया काम करती है। तो इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस प्रोजेक्ट को चेकआउट कर सकते हो और अपने यूज केस के हिसाब से इसको बाय कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो अपने भाई को और फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, चैनल को लेकर कोई सजेशंस है वो भी कमेंट करके बता सकते हो, या चाहते हो किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू वो भी कमेंट करके बता देना। और तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सेल ब्लॉग्स, और भाई पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।